स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर निगम के द्वारा वातानुकूलित शौचालय का निर्माण किया गया। वातानुकूलित शौचालय जो कि पहला ऐसा शौचालय है जिसमें गर्मी से बचने के लिए एसी की व्यवस्था और सर्दी में गर्म पानी की व्यवस्था है। वातानुकूलित शौचालय का फीता काट कर उद्घाटन सांसद कुंवर सर्वेश सिंह, महापौर विनोद अग्रवाल, नगर आयुक्त अवनीश कुमार शर्मा, महानगर संयोजिका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की महानगर संयोजिका प्रिया अग्रवाल के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस दौरान सभी को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया, सभी से स्वच्छ भारत मिशन में सहयोग की अपील की गई। सांसद सर्वेश सिंह ने कहा कि भाजपा का मेयर जनता ने चुना है और भाजपा सभी को साथ लेकर चल रही है, इसीलिए तेजी के साथ महानगर का चहुमुखी विकास होगा। आपको बता दें कि इस वातानुकूलित शौचालय में नहाने तक की व्यवस्था है जो महानगर में आने वाले लोगों के लिए अच्छा साबित होगा। इस दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की महानगर संयोजिका प्रिया अग्रवाल, मनोज गुप्ता, राम जी, अमित सिंह, विशाल त्यागी, गौरव श्रीवास्तव के साथ अन्य लोग भी मौजूद रहे। भाई विनोद अग्रवाल जी को, महापौर जी को एक बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ में उनके नगर आयुक्त जी को भी कि एक इतना अच्छा काम शायद ये पश्चिम प्रदेश पहला ही कितने का है। उदाहरण बताऊँ जो हमारे विनोद जी ने और नगर आयुक्त जी ने बनवाया है, शायद पश्चिम प्रदेश में जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि पहला शौचालय है। जिस तरीके से पहला शौचालय यहाँ पर बनाने, क्या लगता है बनाने, इसी तरह के वो शौचालय आज शौचालय और बनाने हैं। अब आप देखते रहिए, अभी तो शुरुआत है हमारे विनोद जी की, अब आगे आगे देखिए आप होता है क्या, आपको 18 में पता चल जाएगा मलहबाद में क्या।